उनको अब कई बार बैट को ग्रिप करना भी इतना आसान रहेगा नहीं, डिफिकल्टी होगी। विक्रांत वाकई में यही उम्मीद कर रहे होंगे यहाँ पर चेन्नई के सभी समर्थक और खिलाड़ी, जल्द से जल्द वापस आए। आपने कहा बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं, हरफन मौला खिलाड़ी है। इस बार बैकफुट में बहुत ही करारा ड्राइव मारा है, बेजोड़ कोशिश लेकिन चार, बड़ी ताकत के साथ यहाँ पर मारा था, गैप में मारा, फील्डर ने बेजोड़ कोशिश की लेकिन चार रोकने में असमर्थ। यह काफी देर के बाद ये बाउंड्री आई है, थोड़ी सी मुझे लगता है कि अब दरकार भी थी कि एक बड़ा शॉट लगाए, हालांकि प्रयास बहुत बढ़िया था पर अंत में गेंद को कंट्रोल नहीं रख पाए, स्लाइड किया। देखिए किस प्रकार डाइव लगाई, ऐसा लगा एक बार गेंद रुक गई है पर उनका जो घुटना है वो गेंद के ऊपर लगा, यही कारण गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। पर गजब की कमिटमेंट ये पूरे अब सीसीएल में देखने को मिला है, जो खिलाड़ी जो कि अब बड़े पर्दे पे आते हैं, जिस प्रकार उन्होंने अब टेक्निक दिखाई है, जिस प्रकार प्रयास किया है, जो कमिटमेंट दिखाई है, जितनी भी उसकी तारीफ की जाए उतनी कम। ना केवल ये टीम कर्नाटका बुलडोजर्स या फिर चेन्नई राइनोस पर अन्य टीमें भी जिन्होंने भाग लिया इस टूर्नामेंट में। लेकिन यहाँ पर राहुल की दाद देनी होगी, 45 पर पहुंच गए हैं, केवल 37 गेंदों का सामना किया है और अपना जो किरदार है बखूबी निभा रहे हैं, बढ़िया संघर्ष कर रही एक एंड से, दूसरे छोर से निरंतर विकेट गिरते गए हैं लेकिन उन्होंने पारी को संभाल कर रखा है यहाँ पर। और ये चौथा झटका, बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स, माफ कीजिए चेन्नई के लिए, ये बहुत ही बढ़िया वापसी, दो करारे झटके पिछले दो तीन ओवर में, दो विकेट गिर गए और यहाँ से खेल का रुख पूरी तरह से पलट गया है, पूरी तरह हावी यहाँ पर चेन्नई की टीम। मुझे ऐसा लगा सुदीप एक बड़े शॉट के लिए जा रहे थे और इसको कहते हैं चकमा देना, विष्णु ने जो चकमा दिया, जो लाइन रखी और देखे अंत में मुस्कुराते हुए मुस्कान उनके चेहरे पे, और क्यों ना हो कर्नाटका बुलडोजर्स के कप्तान वापस जाते हुए शून्य रन बना के 94 कर्नाटका बुलडोजर्स। बहुत ही बढ़िया वापसी की इस मैच में, बल्लेबाज पर दबाव बनाया, फलस्वरूप दो धड़ाधड़ विकेट चटकाए। बहुत ही नापीतुली गेंदबाजी की और यहाँ पर कुछ चिंतित चेहरे। एक बार देख लेते हैं किस तरह से विकेट गिरी थी कप्तान सुदीप। इस बार एक रन मिलेगा, 96 पर 4।